हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। CUCET जो कि हर साल कंडक्ट होता है, ये CUCET वो CUCET नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये CUCET हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। देश की कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, जैसे असम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको किसी अगर UG या PG कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको एक सेंट्रल जो है यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके जो फॉर्म हैं वो फिल कैसे करना है, उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, NTA कंडक्ट करवाएगा इस साल इनका एंट्रेंस टेस्ट। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर CUCET का लिंक है, इसके बाद प्रोस्पेक्टस है। तो पहले आप UG और PG वाला प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स से रिलेटेड या अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ीस, वो सब चीज़ें इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप पहले इस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। 16 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसके जो फॉर्म हैं वो अप्लाई करे जाएंगे। 3 और 4 सितंबर को फॉर्म्स में अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो उसमें करेक्शन आप लोग कर सकते हो। 800 रुपये की इसकी फ़ीस है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेंगी, तो प्रोस्पेक्टस आपको ज़रूर से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी आपको इसी प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो PG वाला प्रोस्पेक्टस है उसका अलग से लिंक दिया गया है, तो इसको भी आप डाउनलोड करके जो PG लेवल कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेट प्रोग्राम की डिटेल भी आपको UI वाले प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUCET का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहला स्टेप हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का होगा ऑब्वियसली। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमको इस स्टेप में मांगी जाएंगी, पहले बता रहा है फ़ीस के बारे में डिटेल बता रहा है, ठीक है जी। PWD वालों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। SC ST के लिए 350 रुपये की फ़ीस है और 800 रुपये जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए है। तो इसको आप थोरोली पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई हैव रीड पे क्लिक करके और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको जाना है। उसके बाद जो पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का है, इसमें आपको आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करके आपको उसका नंबर देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अपना एड्रेस बिल्कुल थोरोली प्रोवाइड कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, अदरवाइज सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आप राइट टिक कर दोगे। इसके बाद पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है। पासवर्ड में आप जो है अल्फा न्यूमेरिकल यूज़ करिएगा, कैपिटल लेटर यूज़ करिएगा, नंबर्स यूज़ करिएगा, कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करिएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा, ये पासवर्ड रीसेट करने के काम आता है। इसके बाद एक कैप्चा कोड है उसको एंटर करके सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक पॉपअप शो होगा कि आप एक बार अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए, अगर ठीक है तो फाइनल सबमिट, अदरवाइज़ एडिट भी कर सकते हो। तो इसको यहाँ से फ़िलहाल क्लोज़ करेंगे और ऊपर आप जाओगे तो अपनी डिटेल जाके वेरीफाई कर लीजिएगा और यहाँ पे नीचे सारे बॉक्स आएंगे, इस पर राइट टिक कर दीजिएगा आप। इस पर राइट टिक करने के बाद नीचे एक बॉक्स होगा यहाँ पे आई एग्री वाला, इस पर क्लिक करोगे। अच्छा, आप एडिट पे जाके अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हो इस टाइम पर, ये जो बेसिक डिटेल आपने लिखी है, अदरवाइज़ फाइनल सबमिट कर दोगे तो उसके बाद वो डिटेल एडिट नहीं हो सकती। तो एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हम इसको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल भी आ जाएगा आपके पास कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर ये देखिए क्रिएट हो गया। अब जो हमने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, अब आप जब इसको लॉगआउट करके वापसी लॉगिन भी करोगे तो इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। अब हमको फॉर्म कंप्लीट करना है, तो हमको ये ऑरेंज कलर का जो ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपको कुछ डिटेल जो आपने डाली हैं वो ऑलरेडी एंटर हुई हुई आपको मिलेंगी। आपको नेशनलिटी भी ऑलरेडी चूजन मिलेगी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको चूज़ करना है किस स्टेट में आप रहते हो, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आपको अपनी चूज़ करनी है, जनरल, SC ST या जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट, अगर आप फिज़िकली डिसेबल हो तो येस करोगे, अदरवाइज़ नो कर दोगे, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ करोगे अगर येस हो तो, अदरवाइज़ इसको हम नो रहने देते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हो आप, येस या नो। इसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर आते हो, येस या नो।
रिलीजन अपना चूज़ करना है, इसके बाद स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, सॉरी स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉयड हो वो चूज़ करना है, कश्मीरी माइग्रेंट हो हाँ या ना वो चूज़ करना है, राइट। इसके बाद अप्लाई फॉर में यहाँ पे आपको पूछा जाएगा CU CET 2021 फॉर UG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसकी एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली प्लस टू होती है, या फिर मास्टर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे उसका ऑप्शन आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस में देखोगे आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका यूनिक पेपर कोड क्या है, ठीक है। जैसे कोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही होगा, ठीक है, मतलब दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया है तो उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर आप PG चूज़ करोगे तो यहाँ पे PG में अलग अलग कोड हैं आपके रिस्पेक्टिव कोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप अप्लाई करोगे। मोर देन वन कोर्स के लिए भी एक साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं PG वाला ऑप्शन चूज़ करके आया हूँ। इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना है। आप एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस दिल्ली दे सकते हो ऑब्वियसली बिकॉज योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल दिल्ली है। चार अलग अलग प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर दोगे, ठीक है जी। तो मैं चार प्रेफरेंस दे देता हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपकी 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल। ऑब्वियसली 10th पास हो गए ऑब्वियसली आप, ईयर ऑफ पासिंग आपने 10th क्लास किस ईयर में पास आउट करी है। उसके बाद आपका 10th और इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि किस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास आउट करी है। उसके बाद रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज था या CGPA था 10th का, ठीक है। रिजल्ट मोड अपनी मार्कशीट में दिखेगा कि आपके एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज में दिए हुए हैं या CGPA में, वो आप लिखोगे। ग्रेड पॉइंट क्या था आपका वो लिखोगे। CGPA कितनी आई थी आपकी वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं परसेंटेज करता हूँ तो मुझसे यहाँ पर परसेंटेज पूछी जाएगी। आपके टोटल सब्जेक्ट्स के जितने मार्क्स थे आउट ऑफ 500 या 600 वो लिखोगे, ऑप्टेन मार्क्स कितने थे वो लिखोगे, देन परसेंटेज में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। देन यहाँ रोल नंबर लिखोगे अपने क्लास 10th का, आपके एडमिट कार्ड या मार्कशीट में देख लीजिएगा, और अपने स्कूल का नाम यानी कि 10th क्लास का जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम और एड्रेस जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है वो लिख दोगे। सिमिलरली यहाँ पे 12th क्लास की यहाँ पे डिटेल आएगी, ठीक है। रिजल्ट मोड, कोर्स, स्ट्रीम नेम यहाँ पर आएगा, रोल नंबर वगैरह। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझसे ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। पास का स्टेटस पूछेगा, अच्छा नॉट एप्लीकेबल है अगर अपियरिंग में है जो भी है वो लिखोगे। ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, स्ट्रीम नेम जो भी आपने किया है, BA, BSc, BCom, BTech जो भी आपने किया है, और अदर डिटेल जो भी है वो वहाँ पे लिख दोगे। अच्छा, अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, GATE, GPAT अगर कुछ है तो वो उसकी डिटेल यहाँ पर दोगे। इसके बाद है पेरेंट्स इनकम डिटेल, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन है, एक सेकंड, क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, फादर की क्वालिफिकेशन, इसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, उसके बाद एनुअल इनकम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। देन मदर की लिखनी है, ऑप्शनल है ये सब चीज़ें, ठीक है। आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, राइट। इसके बाद एक सिक्योरिटी पिन है, उसको एंटर करके हम लोग सबमिट करते हैं। आपको बताएगा कि एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ऊपर जाकर अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा और ये सब बॉक्स पर राइट टिक कर दीजिएगा और नीचे वाले आई एग्री पे क्लिक करके इसको हम फाइनल सबमिट करेंगे। देखिए एडिट कर सकते हो अभी भी आप, अदरवाइज़ फाइनल सबमिट करेंगे, येस करेंगे। इसके बाद आपका अगला स्टेप ओपन होगा जो कि है आपका ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, बस फ़ोटो और सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। और 10 से 100 KB तक का फ़ोटो का साइज़ है और सिग्नेचर का साइज़ है 4 से 100 KB तक का। तो चलिए ये भी हम अपलोड कर लेते हैं, चूज़ फाइल पे क्लिक करके इसको हम अपलोड कर लेते हैं। जो अपलोड का ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ये इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली दिखाएगा। तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट का जो लिंक है इस पर क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं। फिर अगेन सिक्योरिटी पिन है, इसको हम डाल के प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप भी। अब जो हमारा स्टेप है वो पेमेंट का है। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पेमेंट कर देनी है। 800 रुपये दिखा रहा है पेमेंट के लिए। यहाँ पे अभी भी आप एडिट कर सकते हो फॉर्म, अभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे ब्लू कलर का ऑप्शन है पे एग्जामिनेशन फ़ीस, जिस पे क्लिक करके आप जो फ़ीस है अपनी वो पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंप्लीफाइड सा प्रोसीजर था एप्लीकेशन फॉर्म का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।